Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's topic of discussion, as you all can see, is orthopedic assessment on basis of physiotherapy. On behalf of physiotherapy, जो physiotherapy के अंडर में जो हम orthopedic assessment करते हैं, on the basis of that only we are going to study today. So let's begin. Before moving towards the detail of the assessment, we should basically know about what actually it will include. The orthopedic assessment mainly include the SOAP. Just remember SOAP. S stand for subjective, O stand for objective, A for assessment and P for plan. तो यही जो चार चीज़ें दी हुई है, इसी से मिल करके हमारा assessment tool तैयार होता है, ठीक है। तो SOAP, यू हैव टू रिमेंबर SOAP ओनली, इसका ही हम लोग जो है इलेबोरेट करके एवरीथिंग वी विल स्टडी इन डिटेल्स. लेट्स मूव टूवर्ड्स द सब्जेक्टिव असेसमेंट. द सब्जेक्टिव असेसमेंट टूल विच इन्वॉल्व द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द डेमोग्राफिक डाटा. वी ऑल्सो से इट एज ए डेमोग्राफिक डिटेल और डेमोग्राफिक डाटा, ठीक है. सो दीज आर द डेमोग्राफिक डाटा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द डेमोग्राफिक डाटा विच इंक्लूड नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, डेट ऑफ असेसमेंट, रिलीजन एंड समटाइम डोमिनेंट हैंड. ओके, ठीक है. तो व्हाट आर द थिंग्स विच इंक्लूडेड आर द नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, डेट ऑफ असेसमेंट एंड रिलीजन अलॉन्ग विद डोमिनेंट हैंड. सो एज पर द नेम, तो नेम क्या होता है, वी शुड ऑलवेज नो. नेम मतलब वो ABCD जो पर्सन है उसका नेम क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है. वी रिप्रेजेंट दैट पर्सन विद देयर नेम, ठीक है. वरना वी कांट से ए पर्सन, बी पर्सन और दिस कंडीशन थी, उसको उस कंडीशन के नाम से उस पेशेंट को बिलोंग बताया जाए, नहीं, उसका कुछ नेम है उसका, ठीक है. एज क्यों इम्पोर्टेंट होता है लेना, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि एज क्यों इम्पॉर्टेंट है. एज से आप नहीं बुला सकते किसी पेशेंट को, हाँ, कि हाँ 26-year-old बॉय इधर आओ या 56-year वोमेन प्लीज़ कम, ऐसे तो हम नहीं बुला सकते ना. बट इट इज़ हियर बिकॉज जो एज रिलेटेड बहुत सी कंडीशंस होती हैं, इफ़ यू हैव रेड अबाउट इट, तो एज रिलेटेड बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो एडोलसेंस के अकॉर्डिंग होती है, कुछ यंग एडल्ट एज में होती है, कुछ जो होती है हमारी ओल्ड एज में आती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर वी टॉक अबाउट तो ओल्ड यंग एज में कैसी कंडीशंस हो सकती है, लाइक रिकेट्स हो गई, ठीक है. और वही ओल्ड एज में जा करके क्या बन सकती है हमारी, OA और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ठीक है. यंग एज की लाइक 40s+ में हो सकती है अर्थराइटिकल कंडीशंस, ठीक है. आजकल तो अर्थराइटिस कंडीशन यंगर एज में भी देखने को मिलती है, ठीक है. तो ऐसा चीज़ जो है, कुछ कंडीशन जो होती है एज रिलेटेड होती है, मेटाबॉलिक होगी, कैल्शियम रिलेटेड हो गई या फिर ऐसे, तो ये होती है हमारी एज. क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कुछ कंडीशन जो होती है एज रिलेटेड होती है. तो अच्छा, ठीक है, एज रिलेटेड तो समझ में आ गया. जेंडर का क्या काम होता है, ऑब्वियसली इट प्लेज अ मेजर रोल बिकॉज कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो मेल में होती हैं, मेल में मोस्ट प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादातर पाई जाती है, और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो फीमेल्स में ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें तो AS होती है, अल्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो ऐसी कंडीशन होती है जो मेल में ज़्यादा पाई जाती है और यंग एज में ज़्यादा ही पाई जाती है. और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम OA की बात करें तो वो फीमेल्स में ज़्यादा कम पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स में. और फीमेल्स में कब, जब देयर इज़ ए मेनोपॉजल होता है, आफ्टर पीरियड्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो ओवर हो जाती है, स्टॉप हो जाती है एक टाइम पे, दैट इज़ नोन एज अ मेनोपॉजल. तो उस टाइम पे जो भी रिलेटेड कंडीशन होती है, तो ये होती है कुछ एज जेंडर रिलेटेड. नाउ व्हाट अबाउट द ऑक्यूपेशन. अब ऑक्यूपेशंस का क्या रूल है, यहाँ पे 2-3 वे है यहाँ पे हमें ऑक्यूपेशंस का जानने का. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अगर हम बात करें कंडीशन रिलेटेड, तो ऑक्यूपेशन का ये होता है कि लाइक बहुत सी ऐसी ऑक्यूपेशन होता है जिसमें लॉन्ग प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, तो सिटिंग से भी बहुत सी कंडीशंस आ सकती है, लाइक लंबर पेन हो सकता है किसी को, ठीक है, स्लाउच पोस्चर्स हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है. अगर हम बात करें लॉन्ग स्टैंडिंग में, लाइक हम वॉचमैन की बात करें या वेंडर्स की बात करें, तो वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में होते हैं। इनफैक्ट आजकल जो कंडीशंस हमें देखने को मिलती है वो है डेंटिस्ट में भी क्या होता है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग। तो ऐसी कंडीशंस क्या होती है, इसलिए हमें ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ऑक्यूपेशन रिलेटेड भी बहुत से मैकेनिकल कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, अब एड्रेस से क्या पता चलता है हमें, अब एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अच्छा एक और चीज़ है ऑक्यूपेशन में, क्या होता है ऑक्यूपेशन से वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द स्टेटस, बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी पता चल जाता है कहीं ना कहीं, कि जो पेशेंट है वो लाइक वेंडर है या फिर रिक्शा वाला है या फिर टीचर है या वॉचमैन है, तो ऐसा जो है हम उसके स्टैटिकल कंडीशन भी बता सकते हैं, उसके स्टेटस क्या है। ठीक है, जो चीज़ हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। नाउ विल टॉक टूवर्ड्स द एड्रेस। अब एड्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है, एड्रेस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, बिकॉज कि एड्रेस में क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल ए पेशेंट बिलोंग्स टू अ विलेज एरिया, तो क्या होता है विलेज का जो इन्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग उस एरिया में ये कंडीशन चल रही थी, या फिर क्या हो सकता है उस एरिया का क्या इन्वायरमेंट है उसके लिए, तो इस तरीके से क्या होता है वहाँ की कंडीशंस जनरेट हुई। फॉर एग्जाम्पल ए पेशेंट बिलोंग्स टू अ एरिया लाइक इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पे क्या होता है पॉल्यूटेड हो सकती है। ठीक है, तो उस तरीके से कुछ कंडीशंस आ सकती हैं। ठीक है, कुछ जो है हमारे बिलोंग्स करते हैं अर्बन एरिया में, तो अर्बन में क्या होता है वहाँ पे पोल्यूशंस भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे यू विल ऑल्सो फील सोफिस्टिकेटेड टाइप। तो इस तरीके से जो है अप ब्रिंगिंग ऑफ सर्टेन कंडीशंस आ जाती हैं, तो इसलिए एड्रेस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल।